बिस्मिल्लाहमान रखीम मैं आज फिर आपको मार्केटिंग की दुनिया में खुश आमदेद कहता हूँ आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है प्रोमोशन जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने गुजारिश की थी कि मार्केटिंग मिक्स से मुराद है प्लेस प्रोडक्ट प्रमोशन प्राइस पैकेजिंग परसेप्शन इसको हम कहते हैं फोर पीस या सिक्स पीस या सेवन पीस आज का जो लेक्चर है उससे सबसे क्रिटिकल क्रूशल लेक्चर है और उसका नाम है प्रोमोशन प्रोमोशन वो पी है जो बात करता है कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस या आइडिया का मैसेज कंज्यूमर तक कैसे पहुँचेगा प्रमोशन नाम है तमाम उन चीज़ों का जिसके ज़रिए हम अपनी प्रोडक्ट की तशहर करते हैं अपनी टारगेट मार्केट्स टागेट मार्केट पर तो गोया प्रमोशन नाम है उन तमाम टूल्स और टेक्निक्स का जिसकी बेस पे हम प्रोडक्ट को मुतारफ़ करते हैं अपने ऑडियंस पे प्रो अगर हम प्रमोशन की बात करते हैं तो प्रमोशन को हमने डिवाइड किया हुआ है चंद सब कैटेगरीज़ में और हम एक हर एक कैटेगरी को पहले डिफ़ाइन करेंगे फिर कैटेगरी में बात करेंगे तो हम बात करते हैं कि प्रमोशन मिक्स क्या है प्रमोशन मिक्स नाम है एडवर्टाइजिंग का ये नाम है पर्सनल सेलिंग का ये नाम है पब्लिक रिलेशन का जिसको हम पी कहते हैं और ये नाम है सेल्स प्रमोशन का और ये नाम है डायरेक्ट मार्केटिंग का तो गोया प्रमोशनल मिक्स जो है वो बुनियादी तौर पर पाँच चीज़ों पर मुश्तमिल है आज हम बात करें इनकी बुनियादी तौर पर डिफाइन करेंगे और फिर बात करेंगे इसमें जो कंपन एडवर्टाइजिंग का है उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर है कि हमारा जो एडवर्टाइजिंग है वो क्या है तो लिहाजा हम अगले लेक्चर में एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे आज हम सिर्फ बाकी जो तमाम हमारे पास प्रमोशन की सब कैटेगरीज हैं जिसको हम प्रोमोशन मिक्स कहते हैं उनकी हम बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल सेलिंग से तो पर्सनल सेलिंग क्या है पर्सनल सैलिंग ये है कि आपने खुद जाके वन टू वन जाके अपनी प्रोडक्ट को मुतारफ़ पर्सनल सेलिंग से मुराद ये है कि आप ख़ुद जाके अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का मुतारफ़ कराते हैं दूसरी चीज़ है पब्लिक रिलेशन की पब्लिक रिलेशन क्या है कि हम अपने पब्लिक रिलेशन के ज़रिए अपने पी आर के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट को मुतारफ़ कराते हैं और आमतौर पर इसको हम कहते हैं सॉफ़्ट टेक्टिक्स के हम सॉफ़्ट तरीके से बात करते हैं तीसरी चीज़ है डायरेक्ट मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग से मुराद ये है कि जब हम कंपनी जो चीज़ मैन्युफैक्चर करती है वही कंपनी अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर तक लेके जाती है और उसकी बाकायदा पूरी एक स्कीम बनती है जिसमें हम लोग हायर करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग जो है ना सिर्फ कि हम थ्रू इंडिविजुअल कर सकते हैं बल्कि इसके जरिए हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हैं हम वेब प्रेजेंस के जरिए भी डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं और तीसरी चीज़ जो है वो सेल्स प्रमोशन है सेल्स प्रमोशन से मुराद क्या कि हमें ऐसे तमाम प्रमोशन एक्टिविटीज़ करें जिससे हमारी प्रोडक्ट मुतारफ़ हो हमारी प्रोडक्ट पहुँचे और आखिरी चीज़ एडवर्टाइजिंग है जैसे मैंने पहले गुजारिश की एडवर्टाइजिंग का हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अब हम बात करते हैं कि जो प्रोमोशनल मिक्स है अगर हमने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टेंड करना है तो हमें पहले ये देखना है कि हमारी जो कंज्यूमर का लाइफ साइकिल है वो क्या है तो मार्केटिंग वाले लोग कंज्यूमर लाइफ साइकिल को या परचेज लाइफ साइकिल को चार बुनियादी कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं एक कंपोनेंट है प्री सेलिंग का दूसरा कंपोनेंट है सेलिंग का तीसरा कंपोनेंट है कंज्यूमिंग का और चौथा कंपोनेंट है पोस्ट कंजम्पशन का आप देखते होंगे कि बहुत सी मुख्तलिफ़ कंपन जब चलती हैं तो हमें मार्केटिंग वाले लोग टारगेट करते हैं या तो उस प्रोडक्ट को हम हमारे साथ मुतारफ़ करा रहे हैं या प्रोडक्ट को हमें बेचने की कोशिश कर रहे हैं या प्रोडक्ट अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके फीचर हमें गिनवा रहे हैं या हम प्रोडक्ट अगर ख़रीद चुके हैं तो उस पर हमें कुछ हमें एलिमेंट्स दे रहे हैं तो गोया जो प्रोडक्ट प्रोमोशन है वो नाम है चार बुनियादी एरियाज़ का अब हम बात करते हैं कि अगर हमने प्रोडक्ट को मुतारफ़ कराना है तो हमारे पास क्या रस्ते हैं एक तो बात यह है कि जो प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट को हम ले कर चल रहे हैं उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि उस प्रोडक्ट का और कंज़्यूमर का लेवल क्या है क्या वो प्रोडक्ट ऑलरेडी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर को उसको जानते हैं उसके बारे में प्रोडक्ट नॉलेज भी है प्रोडक्ट अवेयरनेस भी है तो वहाँ तो हम प्रोडक्ट को मख्तलिफ़ मुद्ल, तरीके से मुतारफ़ कराएंगे और एक ऐसी प्रोडक्ट जो कंज्यूमर जानता ही नहीं है जो जो प्रोडक्ट बिल्कुल नई है उसके लिए हमारे मुख्तलिफ़ टेक्टिक्स होंगी या ऐसी प्रोडक्ट जहाँ हम किसी कंज्यूमर की एक प्रोडक्ट एसोसिएशन या लाइल्टी को तोड़ के अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं या हम कंज्यूमर का एतमाद अपनी प्रोडक्ट पे बहाल करना चाह रहे हैं या हम चाहते हैं कि कंज्यूमर एक्चुअली प्रोडक्ट परचेज़ करें तो गोया जो प्रमोशन है जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं ये एक बड़ी कम्प्लैक्स एक्टिविटीज़ हैं और हमें पहले देखना होगा कि हम किस जगह पर अपनी प्रोडक्ट खड़े हैं और फिर हमारा इस वक्त ऑब्जेक्टिव क्या है गोया तमाम प्रोमोशन की एक्टिविटीज़ से पहला काम क्या है कि हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं हर प्रमोशन का मकसद हरगज़ नहीं होता कि हम प्रोडक्ट बेचें क्योंकि प्रमोशन का मकसद ये भी हो सकता है कि हमने अपनी पुरानी खोई ही साख को बहाल करना है नई प्रोडक्ट को मुतारफ़ कराना है अपने प्रोडक्ट को किसी एग्जिस्टिंग कंपेट से छीन के लेके के नई मार्केट क्रिएट करनी है या हमें कोई ऐसी कंपेन लॉन्च करनी है जिससे ओवरऑल मार्केट एक्सपेंड करे अगर मार्केट के अंदर चार लोग ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं और तमाम उसी मार्केट के पीछे लगे हुए हैं और मार्केट एक्सपेंड नहीं कर रही तो हमारी कोशिश ये भी होती है कि हम हम लोग मिल के तमाम कंपैटर बाजात मिल के ऐसी कंपेन लॉन्च करते हैं कि ओवरऑल मार्केट फैल जाती है आपने अक्सर टी वी में इश्तहार देखा होगा कि एक ब्रांड किसी बगैर लेबल के या बगैर किसी ब्रांड के नाम के टीवी में इश्तिहार चलता है कि आप पैक मिल्क खरीदें टेट्रा पैक मिल्क ये खरीदें पैक मिल्क है अब पैक मिल्क बनाने वाली बहुत सी कंपनीज हैं तो उस इश्तिहार का मकसद हरगज नहीं कि किसी एक कंपनी की सेल बढ़ाई जाए उस इश्तिहार या प्रमोशन का मकसद यह है कि ओवरऑल जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है कि आप प्रोडक्ट वो लें जो पैक हो या पैक मिल्क है जो कंटेन मिल्क है उस प्रोडक्ट को मार्केट को ओवरऑल बढ़ाना है तो गोया वो जो कंपेन टीवी पे आप देखते हैं जिसमें एक पैक मिल्क की या टेट्रा पैक की एडवर्टीज़मेंट चल रही है कि जी आप बंद डब्बे का ही दूध इस्तेमाल करें उस बंद डब्बे को दूध को बेचने वाली तो हमारे पास दस बारह कंपनीज़ हैं तो ये कंपेन किसके लिए चल रही है ये कम्पेन इसलिए चल रही है कि तमाम उन मार्केटिंग कंपनीज़ ने मिल बैठ के देखा कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसके लिए मार्केट साइज बड़ा छोटा है और हम तमाम लोग एक जगह ही जाके एक ही टारगेट मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं और आपस में हम प्राइस वार के ज़रिए आपस में लड़ रहे हैं और मार्केट एक्सपेंड नहीं हो रही तो उन तमाम कंपनीज़ ने मिलकर क्या किया एक ऐसी कंपेन क्रिएट की जिसको फंड करने में तमाम कंपनीज़ ने उसमें कंट्रीब्यूट किया जो पैक मिल्क बेचती हैं और उन्होंने ओवरऑल मार्केट को फैलाने की कोशिश की इसी तरह आप देखते होंगे कि बहुत सी ऐसी कंपेन हमारे सामने आती हैं जिनका मकसद सिर्फ़ किसी एक कंपनी को मुतारफ़ कराना नहीं होता या उसके प्रोडक्ट का एक फीचर किसी एक कंपनी से एसोसिएटेड जो है उसको बताना हरगज़ नहीं होता बल्कि उसका मकसद ये होता है कि ओवरऑल मार्केट कम्पेन या ओवरऑल मार्केट साइज़ को बढ़ाया जाए ये ना सिर्फ मिल्क की इंडस्ट्री में बल्कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे भी होता है आप देखते होंगे कि अब जहाँ पे हमारे यहाँ टेलीकॉम इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वहाँ पे कंपनीज़ मिल के तमाम कंपनीज मिल के कोशिश करते हैं कि हमारे तमाम जो सब्सक्राइबर हैं वो अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें टॉकिंग तो ये हर कंपनी की ख्वाहिश है कि जितना टाइम बढ़ेगा इतनी ओवरऑल मार्केट बढ़ेगी और फिर उसके बाद जो कंपनी है अपनी स्पेसिफ़िक मार्केटिंग कंपेन लॉन्च करेंगी तो फिर उस पे बेस पे जो जिसकी बेहतर कम्पेन होगी जिसकी बेहतर ऑफरिंग होगी वो उस मार्केट में जीत जाएगा तो गोया मार्केटिंग या जो प्रमोशन है वो किसी एक कंपनी को प्रमोट करने का नाम नहीं है ना सिर्फ वो हर दफ़ा उनका प्रेफरेंस ये होती है कि हम बेचें बल्कि प्रमोशन नाम है अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रमोशन नाम है नॉलेज बेस को बढ़ाने का प्रमोशन नाम है लिंक इस्टेब्लिश करने का प्रमोशन नाम है प्रेफरेंसेस चेंज करने का प्रमोशन नाम है कन्विक्शन चेंज करने क्रिएट करने का और प्रमोशन नाम है परचेज़ करने का अब यहाँ एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम ना सिर्फ क्या कहते हैं कि जी एडवर्टाइजिंग तो या प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ वो कंपनीज़ करती हैं जिनका विराजित तौर मकसद चीज़ों को बेचना है मैं हरगत इस कर नहीं करता हूँ तो वो कंपनीज़ जो कुछ चीज़ बेच ही नहीं रही या वो कंपनीज़ जिनका मोटिव हरगज़ पैसा कमाना नहीं है तो फिर वो प्रोमोट क्यों करती हैं और वो पर्सनल सेलिंग या एडवर्टाइजिंग या प्रोमोशन व्हीकल्स डायरेक्ट मार्केटिंग या कोई और ऐसी प्रोमोशन एक्टिविटीज़ क्यों इस्तेमाल करती हैं प्रमोशन का मकसद सिर्फ बेचना नहीं होता प्रमोशन का बाद का सिर्फ ये मकसद होता है कि हम अपनी कंपनी की गुडविल क्रिएट करें आजकल जो आप इश्तिहार देखते हैं टीवी में वो पावर्टी एलिवेशन वाले एक इश्तिहार दे रहे हैं अब उन पावर्टी एलिवेशन वालों का कोई चीज़ बिक तो नहीं रही वो कुछ चीज़ परचेज़ तो नहीं करना चाहते तो वो फिर इश्तहार किस लिए दे रहे हैं वो कंपनी की गुडविल क्रिएट करना चाहते हैं वो बताना चाहते हैं कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं ताकि लोग उनको डोनर एजेंसीज़ उनको मज़ीद फंडिंग दें इसी तरह उनकी प्रमोशन एक्टिविटी का एक और बुनियादी मकसद ये है कि उनके पास बेहतर से बेहतर लोग आके काम करें जब हम एक ऐसी चीज़ को देखते हैं कि उसका बाज़ायर कोई परचेज ऑब्जेक्टिव नहीं है तो फिर वो कम्पेन इसलिए होती है कि उसके कुछ सर्टन ऑब्जेक्टिव्स हैं तो गोया हर प्रमोशन कम्पेन के के बनाते वक्त बुनियादी तौर पे ये देखा जाता है कि इसके प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसका प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव क्या ये है कि हमारी गुज्त छः माह में हमारी सेल नीचे चली गई हैं क्या क्या लोग ये चाहते हैं लोग ये हमारी मार्केट सर्वे से पता चला कि हमारे जो कंज्यूमर है या हमारा जो गाहक है वो हमारी प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट क्योंकि कम हो रही है प्रमोशन कम हो रही है इसलिए हमारे लोगों ने हमारे पे अहतमाद करना छोड़ दिया और वो शायद समझते हैं कि हमारा क्योंकि इश्तहार नहीं चलता शायद हम बिज़नेस हमारा ख़राब हो गया है या हम शायद भाग रहे हैं या ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं तो बात प्रमोशन कम्पेन का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है हम उसे बोलते हैं सी बी एम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स तो बाद अकात एक प्रमोशन का बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कंज्यूमर के दिल में आपका जो एतमाद टूट चुका है उस एतमाद को दोबारा बहाल करना तो गोया प्रमोशन नाम है किसी एक ऑब्जेक्टिव के रखने का और फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन से टूल इस्तेमाल करने हैं अब गुजारिश यह है कि हर प्रोमोशन ऑब्जेक्टिव जब हम तय करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि कौन सा टूल इस ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करता है एक दूसरा कौन सा टूल ऐसा है जो उस टारगेट मार्केट तक हमें ले जाएगा अब इसमें देखना यह है कि हमारा जब ऑब्जेक्टिव क्लियर है और रेलिवेंट टूल बेस में हमें देखना है कि कौन सा टूल अफोर्ड कर सकता है कौन सा टूल रेलिवेंट है उस कंपेन के लिए और उसके साथ साथ कौन सा टूल है जो टारगेट मार्केट तक में पहुंचाता है आमतौर पर यह प्रस्यूम किया जाता है कि जो कन्वीनियंस गुड्स हैं वो इश्तिहारों से बिकते हैं वो गोया प्रमोशन से चलते हैं इसी तरह जो सर्विसेज हैं वो पर्सनल सेलिंग से होती हैं आप देखते होंगे कि लाइफ इंश्योरेंस जो है एक सर्विस है और उसके लिए हमेशा जो टूल लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो पर्सनल सेलिंग का है वो डायरेक्ट सेलिंग का है कि आपके घर एक इंडिविजुअल आता है आपको एक फार्मल प्रेजेंटेशन देता है अब ये क्योंकि सोसाइटी का नाम है कि लाइफ इंश्योरेंस बिकती है जब आप इन, जब आप उसको एडवरटाइज करते हैं थ्रू पीआर या थ्रू पर्सनल सेलिंग क्योंकि मार्केट एक्सेप्ट इसको करती है टारगेट मार्केट कहती है कि हमें एजेंट घर मिलने आए हमारे पास ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो हम किसी गैर को देना नहीं चाहते तो एक कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है कि आपकी इनकम क्या है कितने बच्चे हैं इनकम प्लान क्या है तो इस प्रोडक्ट को सेल सर्विस को सेल करने के लिए जो टूल है वो पर्सनल सेलिंग का है अब ये टूल जो है एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए हम क्या करते हैं आप फिर तो देखते हैं कि मेट लाइफ का भी इश्तहार आ रहा है बाकी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी इश्तहार देती हैं तो गोया उनका जो इश्तहार देने का मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है उन्हें भी पता है कि इश्तहार लाइफ इंश्योरेंस दे देने से इंश्योरेंस नहीं बिकती इंश्योरेंस बिकती है जब आप लोग जाके पर्सनली उनको मिलते हैं तो गोया जो कंपेन बनाने वाला बैठा हुआ है उसे पता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो बिकती है थ्रू थ्रू पर्सनल सेलिंग लेकिन एडवर्टीजमेंट जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करती है ब्रांडिंग क्रिएट करती है इसी तरह हमारे यहाँ आप देखें कि जो हमारी मार्केट प्लेस में जो बायोपैथ्स लैब्स हैं जो मेडिकल टेस्ट्स हैं इसका कभी आपने इश्तहार नहीं देखा कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं जी अपने आप ब्लड प्रेशर चेक करवाएं इसका इश्हार क्यों नहीं कि या डॉक्टर अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं करते बहुत कम है ये एक्सेप्टेबल नहीं है ये फिर हम तक ये मैसेज कैसे पहुंचता है थ्रू वर्ड ऑफ माउथ पहुंचता है ये प्रेफरेंसेस हैं डॉक्टर रिकमेंड करता है जी आप इस लैब से जाके टेस्ट करवाएंगे तो जो कंपनी लैब की मार्केटिंग कर रही है उसे पता है कि प्रोमोशन के अंदर एडवर्टीजमेंट इस प्रोडक्ट की पॉसिबल नहीं है यह प्रोडक्ट बिकनी ही तब है जब इस प्रोडक्ट के लिए हम डायरेक्ट मार्केटिंग की टीम बनाएं पर्सनल सेलिंग करें और पी करें तो गोया डॉक्टर को अप्रोच किया जाता है क्योंकि डॉक्टर वो ओपिनियन लीडर है डॉक्टर ही अल्टीमेट वो इंडिविजुअल है जिसने उस रिपोर्ट को अथेंटिकेट मानना है और उस बेस पे उसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है अब ये एक ऐसी मार्केट है और जो लैब की कंपनीज हैं जो लैब चला रहे हैं बायोपैथ लैब हो गई या आगा खान लैब है ये वो तमाम लैब वाले लोगों के जो मार्केटिंग हेड्स हैं उन्हें पता है कि इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं पॉसिबल थ्रू प्रोमोशन या एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन कंपेन अब अगर आप ये कहें कि जी बाय वन गेट वन फ्री की हम एक प्रमोशन कंपेन लगा दें कि आप एक दफ़ा ब्लड टेस्ट कराएं दूसरा ब्लड टेस्ट आपको फ्री होगा तो शायद इसको मार्केट एक्सेप्ट ना करे इसी तरह जो मुख्तफ सोसाइटी के तबकात हैं उनके उनकी एक सर्टन परसप्शन है और मार्केटिंग वाले लोग उस चीज़ को जानते हैं कि किस प्रोडक्ट के लिए कौन सी मार्केटिंग अप्रोच या प्रोमोशन मिक्स आइडियल है अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की फॉर एक्जाम्पल यूनिवर्सिटीज़ आम तौर पर सिर्फ अपनी इश्तिहार देती हैं कि हमारे दाखिले खुले हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है उनके जो मार्केटिंग के लोग हैं कि यूनिवर्सिटी की एडवर्टीज़मेंट सिर्फ अवेयरनेस हद तक चलती हैं क्योंकि इस किसी बच्चे को यूनिवर्सिटी एजुकेशन दिलवाने के लिए बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं और डिसीजन मेकिंग पेरेंट तब करते हैं या जिसने पढ़ना है वो डिसीजन मेकिंग तब होती है जब वो छह चीज़ें और भी देखता है वहाँ पी आ रहा है वहाँ क्वालिटी मैटर्स करती है इसलिए आप देखते होंगे कि यूनिवर्सिटीज की एडवर्टिजमेंट बड़ी कम चलती है और आपने कम ही देखा होगा कि किसी किसी ने टीवी कमर्शियल चलाया हो यूनिवर्सिटी के इश्तिहार के लिए जब हम इस तरह की प्रमोशन की बात करते हैं तो जो सर्टेन सोसाइटीज की अप्रीहेंशन हैं सर्टेन सोसाइटीज की जो एसोसिएशन हैं सर्टेन सोसाइटीज की जो एटीट्यूड्स हैं जो बिलीव्स हैं हम उनको कंसिडर करते हैं तो गोया प्रमोशन कैंपेन बनाते वक्त या प्रमोशन की जितने भी कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनको तय करते हुए ये बुनियादी तौर पे देखना है हमें कि हमारी जो टारगेट मार्केट है उस पर कौन सा टूल वो इस्तेमाल करते हैं इससे बुरा यह है, है कि हमें ये देखना है कि हमारी टारगेट मार्केट कहाँ है और उसके साथ रेलिवेंट टूल कौन सा लग सकता है मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर हम एक एक ऐसी प्रोडक्ट की मुतारफ़ कराना चाहते हैं जो एक नावल्टी प्रोडक्ट है एक नई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को हमने मुतारफ़ कराना है एक ख़ास कम्युनिटी में और वो कम्युनिटी रिजाइड करती है किसी एक विलेज में तो उसकी प्रमोशन के लिए अब हम क्या कंपेन करेंगे उसकी प्रमोशन के लिए हम टी वी इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि टी वी एक मास मीडिया है तो पूरे पाकिस्तान को कवर करता है वो डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं जाता और इसीलिए अब वहाँ पे अगर हम उसके एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए प्रमोट करते हैं या हम उसको मुतारफ़ कराते हैं कि जी आप पहली प्रोडक्ट फ्री ले लें तो शायद ये प्रोडक्ट ना बिके तो गोया प्रोडक्ट को देखते हुए और उस विलेज को देखते हुए हम कम्पेन बनाएंगे और आम तौर पर विलेज के जो माइंड सेट है जो विलेजर्स जो हमारी टारगेट मार्केट है उसको हम पहले देखेंगे कि किस प्रोमोशनल टूल को जो टारगेट आर्डर्स है जो विलेजर्स हैं हम एक्सेप्ट करते हैं अब अगर वहाँ टूल जो रेलिवेंट टूल है जो हिस्टारिक डाटा हमारे पास मौजूद है कि उस विलेज के अंदर उस कम्यूनिटी के अंदर जो मोस्ट अफेक्टिव टूल था वो पर्सनल सेलिंग थी तो मार्केटिंग कम्पेन बनाने वाले पहले ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या सिर्फ सेलिंग है या सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है तो पहले फेज पे जाके हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है जी कि हमने अपनी इस कम्युनिटी में जाके अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करनी है दूसरा हम देखेंगे हिस्ट्री हिस्टोरिक डाटा की बेस पे कि ऐसी टारगेट मार्केट में हमारे पास कौन सा टूल होना चाहिए उस टूल में हम टूल में हिस्टोरिक डाटा अवेलेबल है फिर तीसरा हम देखते हैं कि हमारी टारगेट मार्केट है उस टूल के बारे में उसकी परसेप्शन क्या है फॉर एग्जाम्पल पर्सनल सेलिंग जो है वो होती है बेस्ड ऑन रिलेशन बेस्ड ऑन मेकिंग कमिटमेंट और लोग कहते हैं जी मैं तो आपके मुंह पे ख़रीद रहा हूँ आपके आपकी, आपकी वजह से खरीद रहा हूँ और वहाँ पे आपको सर्टन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है तो हम प्रोडक्ट के अंदर जब हम प्रमोशन करते हैं तो हम प्रमोशन कंपेन बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जो पी आ रहा है वो रोल क्या प्ले कर रही है अब हम चलते हैं अपनी प्रोडक्ट में आपके ख्याल में हमारी ये प्रोडक्ट है लेट्स अस्यूम कि हमारी ये प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट हमारी एक स्पेशलिटी आइटम है ये वो आइटम है जो शायद हम छः महीने में एक दफ़ा ख़रीदें एक्टिवली सर्च है और उसके लिए एक्टिवली हमें सर्च करनी है अब इसकी अगर हमने प्रमोशन कम्पेन बनानी है तो हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट इस वक्त प्लेस किस जगह हुआ है अगर ये रिटेल स्टोर्स पे अवेलेबल है तो गोया जब हम कम्पेन बनाएंगे तो हम देखेंगे क्या है फिर क्या इसकी अवेलेबिलिटी भी है कि नहीं है फिर अब देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों की ओपिनियंस क्या हैं फिर हम देखते हैं कि अब इस प्रोडक्ट को अगर हमने प्रमोट करना है तो क्या हम इसको थ्रू प्रमोशन बेचें प्रमोशन से मराज ये है कि हम इसको 25 परसेंट डिस्काउंट लगा दें स्पेशल ऑफर कर दें या थ्रू हम इसको पी बेचें या इसको हम एडवर्टीज़मेंट के जरिए बेचें तो हमें यह देखना है कि क्या है आमतौर पे देखने में यह आया कि ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जो नॉन ब्रांडेड हैं वो थ्रू पुश बिकती हैं वो पुल नहीं बिकती अब हम बात करते हैं पुश क्या है पुश क्या है कि मैंने ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की है मैंने प्रोडक्ट के लेबल पैकेजिंग बनाई है और उसके बाद मैंने होल सेलर को दिया है और होल सेलर को देने के बाद मैंने इसको रिटेलर तक पहुंचाया है और रिटेलर को मैंने स्टॉक दे दिया है रिटेलर ने इसको स्टॉक कर दिया है अपनी शेल्फ़ स्पेस पे अब मैंने क्या किया कि मैंने अपने हज़ारों यूनिट्स को पुश करके के होल सेलर के जरिए थ्रू रिटेलर के ज़रिए उसके जो अल्टीमेटली uh, उसका जो शेल्फ़ स्पेस है वहाँ पहुँचा दिया और मैंने साथ हल्का सा इंसेंटिव रिटेलर को भी दे दिया कि इसमें तुम्हारे मार्जिन बाकियों से बेहतर हैं अब रिटेलर का जो आगे सेल्स पर्सन है उसको बेच रहा है और इसकी कहीं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही ये पी थ्रू नेटवर्क थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिक रहा है और कभी इश्तिहार नहीं आता पाकिस्तान एक ऐसी इंटरेस्टिंग मार्केट है जहाँ बहुत सी ऐसी हजारों प्रोडक्ट्स हैं जो जिनका इश्तिहार नहीं होता और वो सारे के सारा थ्रू पुश बिकती हैं इससे मुराद यह है कि अगर आप अपनी पूरी मीडिया देखें तो उसमें देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं बहुत सी थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपके परफ्यूम्स हैं जिसमें आपकी आ, आफ्टर शेवज़ हैं आपके शैम्पूज़ हैं टूथपेस्ट हैं या गाड़ियों के एक दो एडवर्टीज़मेंट हैं या उसके अलावा आपकी जो मेकअप किट्स हैं इसके अलावा तमाम की तमाम प्रोडक्ट जो बाज़ार में हम ख़रीदते हैं वो थ्रू पुश आप तक पहुँचती हैं कि आपको जो रिटेलर इन्फोर्स करता है रिटेलर आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप ये ले जाएं, ये बेहतर है तो गोया ये भी एक एलिमेंट है कि हमने देखना है कि हमारी प्रोडक्ट क्या पुश के जरिए चलती है तो गोया प्रोमोशन नाम है चीज़ों को बेचने का और गोया नाम है जानने का कि हमारा ऑब्जेक्टिव उस प्रमोशन कंपेन का क्या है और कौन सा टूर रेलिवेंट है और टारगेट मार्केट जो है वो किस टूल को अप्रिशिएट करती है पाकिस्तान में जो मेजॉरिटीज प्रोडक्ट्स हैं वो थ्रू पुश पिकती हैं अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एडवर्टीजमेंट जो हमारा फोकस होगा पुल का कि पुल क्या एलिमेंट है और उस पर बात करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए मुफीद होगा अगले लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहता हूँ खुदा हाफिज़